हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। अगर आपका डबल डोर का फ्रिज है, यानी कि इस प्रकार का डबल डोर का फ्रिज है, और वो डबल डोर का फ्रिज दोस्तों ऊपर तो कूलिंग करता है मगर नीचे नहीं करता है, यानी कि ऊपर वाली साइड तो वो कूलिंग कर रहा है लेकिन नीचे कूलिंग नहीं कर रहा, तो दोस्तों उसका क्या प्रॉब्लम हो सकती है मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों उसके लिए आप लोगों को कई चीज़ों की प्रकार की ज़रूरत पड़ती है, यानी कई चीज़ें होती हैं जिससे वो कूलिंग नीचे नहीं करता है बाकी ऊपर करता है। सबसे पहले जो दोस्तों दिक्कत होती है, आप लोगों को ये वाला गेट खोल लेना। गेट खोलने के बाद यहाँ पर आप लोगों को देखना है कि ये जो हमारा फ़ैन होता है, ठीक है, ये जो हमारा यहाँ पर फ़ैन होता है वो चल रहा है या नहीं चल रहा। सबसे बड़ी दिक्कत दोस्तों यही होती है, अगर नीचे कूलिंग हमारा नहीं कर रहा है फ्रिज, ठीक है, और ऊपर कर रहा है, तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम होती है दोस्तों वो होती है हमारा फ़ैन, यानी कि जो हमारा फ़ैन है वो यहाँ पर पर्पल चल रहा है या नहीं चल रहा। एक बात और, कभी आप ये सोच रहे हो कि ये वाला जो हम गेट है इसको बंद कर देंगे तभी हमारा दोस्तों जो फ़ैन है वो, गेट बंद करने के बाद ही हमारा फ़ैन वर्क करता है, बाकी कुछ फ्रिजों में वो खोलने के बाद भी कर सक, यानी कि बंद खोलने के बाद भी करता है, बाकी ढकना देने के बाद ही फ़ैन चालू होता है, ठीक है। तो आप इसका ध्यान रखें। उसके लिए दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, फ़ैन खोलने के लिए आप लोगों को ये जो स्क्रू दिख रहे हैं, ये स्क्रू किसी पेचकश की मदद से आप लोगों को खोल लेना है। वीडियो बड़ी नहीं हो इसलिए मैंने यहाँ पर जो स्क्रू है वो पहले ही खोल चुका हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को इस प्रकार से इस स्क्रू को खोल लेना है। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, ये जो सांचे से आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, इन सांचों में हाथ में इस प्रकार से डालना है और इसको पीछे की साइड पैनल को खींचना है। खींचने के बाद दोस्तों इसको आप इस प्रकार से रख देना है, रखने के, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ चेक करना है कि हमारा फ़ैन वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, चल रहा है या नहीं चल रहा। यहाँ पे काफ़ी बर्फ़ तो नहीं जमी है, अगर दोस्तों आपके जो फ्रीजर है ये वाला फ्रीजर, जैसे इस प्रकार से इसमें ये बर्फ़ जमी हुई है, अगर आपके में सारे में पूरी बर्फ़ जमी हुई है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, आपके फ्रिज जो है उसको बंद कर देना है, ठीक है, अपना फ्रिज को बंद कर देना। बंद करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को गर्म पानी डालना है। गर्म पानी डालने के बाद डालने के बाद दोस्तों कम से कम 24 घंटे के लिए अपने फ्रिज को आपको बंद कर देना है। अगर दोस्तों उससे क्या होगा, अगर आपका फ़ैन चालू है तब ये आप काम करना है, ठीक है। अगर आपका फ़ैन चालू है, अगर बंद है तो आप फ़ैन रिपेयर कर दो, उसके बाद आपके नीचे कूलिंग आने लग जाएगी, ठीक है। अगर चालू है तो अगर यहाँ पर बर्फ़ जमा रहा कंडेंसर पर, खूब ज़्यादा ही बर्फ़ जमा रहा, तो दोस्तों आपका हीटर भी ख़राब हो सकता है, थर्मोस्टेट भी ख़राब हो सकता है, या फिर आपका एक सेंसर होता है दोस्तों वो भी ख़राब हो सकता है, इसलिए वो नीचे आपका फ्रिज कूलिंग नहीं करता है, ये चीज़ें इसमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अगर कुछ ये है कि सारी चीज़ें अगर ठीक हैं दोस्तों हमारे फ्रिज में, तो कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम आती है कि हाथ से बर्फ़ जमने के, खूब सारा बर्फ़ जमने के, वो जो नीचे की नाली होती है, यहाँ पर एक नाली होती है, यहाँ पर जब बहुत सारा बर्फ़ जम जाता है इस प्रकार से, जैसे ये बर्फ़ जम हुआ यहाँ पर, इस प्रकार से यहाँ बर्फ़ जम जाता है जो नीचे की नाली है, तो दोस्तों वो बर्फ़ की वजह से बंद हो जाती है, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर जो देख रही है सांचे से जो है यहाँ की नाली होती है, जैसे कि वो एक छेद देख रहे हैं, वो छेद बंद हो जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों हमारी कूलिंग आनी बंद हो जाती है। अगर आप फ्रिज को लगभग 24 घंटे के लिए दोस्तों बंद कर देते हैं, तो मैं मानता हूँ वो जो नाली है, वो फ्रीजर की जो नाली होती है दोस्तों, वो खुल जाएगी, क्योंकि बर्फ़ हमारा पिघल कर पानी में तकदीर हो जाएगा और पानी हमारा नीचे को निकल कर नीचे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो हमारी नाली खुल जाएगी 24 घंटे के बाद दोस्तों, जो आप फ्रिज स्टार्ट करोगे तो हमारा फ्रिज जो है वो नीचे की साइड कूलिंग करने लग जाएगा। तो दोस्तों यही प्रॉब्लम होती है, इसमें कोई दिक्कत बड़ी वाली बात है नहीं, तो दोस्तों आप इसको घर पर ही रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।